मोदी जी, मेरी चाय में चीनी थोड़ी कम डालना, मैं थोड़ी फीकी चाय पीता हूँ। जी आपको मालूम ही है मैं चाय में वैसी चीनी थोड़ी कम डालता हूँ। चीनी की रेट देखिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं तो चीनी वैसी कम डालता हूँ चाय में। राहुल तुम्हें एक कप चाय चाहिए? नहीं मोदी जी, मुझे एक कप चाय नहीं चाहिए, मुझे 1/2 चाय दे दो, मतलब एक चाय के 2 भाग कर दो, आधा कप अखिलेश को दे दो, आधा कप चाय मुझे दे दो। आज जिम में थोड़े पैसे कम है, 5 का नोट है, आप 1 चाय 10 रुपए की देते हो। लेकिन राहुल एक चाय तो मैं पूरी दे ही रहा हूँ, उसको तुम आधा आधा करोगे, आधा अखिलेश को दोगे आधा तुम पियोगे। तुम कह रहे हो तुम्हारे पास 5 रुपए हैं, 1 कप चाय तो मैं 10 रुपए की देता हूँ, मुझे तो 10 रुपए चाहिए। अरे मोदी जी 10 रुपए आपको मिल जाएंगे, 5 रुपए राहुल भैया के पास है, 5 रुपए मेरी जेब में पड़े हैं, दोनों के मिलाकर 10 रुपए हो गए, इसीलिए हम दोनों मिलकर 1 कप चाय आपसे खरीद रहे हैं, आधी आधी बांट लेंगे। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, आपकी दुकान पर बैठकर आता बहुत मजा है, दिन भर में 2-3 बार आपके हाथ की चाय ना पी लो मजा ही नहीं आता है। मोदी जी अगर उधार मठरी दे सको तो 1 मठरी दे दो, 1 रुपया कल को दे दूंगा। पहली बात तो राहुल मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मठरी का रेट 1 रुपया नहीं है, 1 मठरी मैं 2 रुपए की देता हूँ, और तुम्हें उधार दूंगा नहीं, क्योंकि तुम पर चाय के बेसी पिछले 50 रुपए हैं जो तुम देना नहीं चाह रहे हो। मोदी जी 1 पूरी चाय मुझे दे दो, 1 केजरीवाल जी को दे दो, क्या बताया जाए, कल केजरीवाल जी ने मुझे चाय पिलाई थी, आज मुझे पिलाना पड़ रही है उनको। मोदी जी आपकी चाय की दुकान पर बैठे बैठे बेफालतू में दिन भर में 50-60 रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन योगी जी मैंने कल चाय के साथ आपको 1 बिस्किट का पैकेट भी दिलवाया था, बिस्किट भी दिलवाओ मुझे। हाँ योगी जी, ये केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल तुमने 2 चाय के साथ बिस्किट का पैकेट भी तो लिया था केजरीवाल जी ने, जो तुम्हें कल चाय पिलाई थी, आज तुम उन्हें अगर चाय पिला रहे हो तो साथ में बिस्किट का 1 पैकेट भी खिलाओ। और योगी जी लालू जी आप सबकी मेहरबानी की वजह से ही मेरी चाय की दुकान चल रही है, क्योंकि मैंने गांव से दूर आकर ये चाय की दुकान खोली है, यहाँ पर कौन आता है, आप ही सब लोग आकर चाय पी लेते हैं, इसी से मेरा भला हो जाता है, मेरी दुकान चल रही है। लालू जी आज की चाय बनी भी बहुत अच्छी है, पियोगे तो मजा आ जाएगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी आप ही बताओ, पूरा महीना होने को जा रहा है, मैं और मेरा बेटा ऐसी खाली बैठे पड़े, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है, ऐसी बेरोजगारी तो मैंने आज तक नहीं देखी। सोनिया जी आप बिल्कुल सही कह रही हो, पूरा महीना होने को जा रहा है, 1 रुपए की भी कमाई नहीं हो पाई है, जो भी कमाई भी जमा पूंजी थी वो सारी की सारी खर्च हो ही जा रही है, क्योंकि काम हो नहीं पा रहा है, उसी को खाया जा रहा है। ऐसे तो अगर काम नहीं मिलेगा कोई, घर बैठे बैठे तो अपना लोग सारा कमाया हुआ रुपया खा जाएंगे। कुछ दिन मैंने सब्जी की दुकान खोली थी, उसमें भी घाटा लग गया, उसे भी बंद करना पड़ गया। मोदी जी आपने तो सब्जी की दुकान खोली थी, मैंने तो कुछ दिन पहले 1 फल की दुकान खोली थी। आ रहा हूँ, खोली तो थी तुमने फल की दुकान, 2 ही दिन चलाई, 3रे दिन बंद क्यों कर दी थी फल की दुकान? तुम्हारी तो फल की दुकान पर भीड़ जमा रहती थी, अच्छी बिक्री होती थी। क्या बताऊँ मोदी जी, सारे के सारे गाँव के लोग उधार फल खरीदने के लिए आते थे, क्योंकि बेरोजगारी में किसी को काम तो मिल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो सारे के सारे लोग उधारी फल खरीदने के लिए आते थे। मैं पैसा देकर मंडी से फल लाता था, इसीलिए मैंने तुरंत फल की दुकान बंद कर दी। क्या करें मोदी जी, सोनिया जी, राहुल जी, क्या करें, ऐसा करते इस गांव को छोड़कर चले जाते, शहर में चलते, वहीं पर रोजगार मिलेगा। यहाँ पर सामान ढोने वाले ठेले पर कब तक बैठे रहोगे? अखिलेश बैठना तो पड़ेगा, शायद कोई भूला बिछड़ा आदमी मजदूरी करवाने के लिए आ जाए तो 2 पैसे की मजदूरी हो जाएगी। और तुम क्या कह रहे हो कि शहर में चलते हैं गांव छोड़कर? शहर में भी जाने का कोई फायदा नहीं है, इन केजरीवाल जी से पूछो, ये तो अभी शहर से होकर आए, पूछो कितना रुपया कमा कर लाए हैं ये। अखिलेश शहर में जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, मैं थोड़ा बहुत गांव का कमाया हुआ पैसा शहर ले गया था, वो भी खर्च हो गया, और शहर में 1 रुपए की मजदूरी नहीं हुई। यहाँ गाँव में तो बेरोजगारी है ही, शहर में भी बेरोजगारी फैली पड़ी है। सुनो अखिलेश, तुमने केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? अब एक ही रास्ता, कुछ दिन इंतजार करते हैं, कुछ दिन बाद बहुत काम मिलने लगेगा, क्योंकि गांव के किसानों की फसल तैयार होने वाली है, फिर मजदूरी मजदूरी होगी, कुछ दिन का इंतजार करो, सारी की सारी गांव में फैली बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी आज कौन सी कहानी सुनाओगे? आपकी जब तक कहानी ना सुन ले मजा नहीं आता है, आपकी कहानी सुनने के लिए सब लोग इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं। राजनाथ सिंह, ये तो मुझे मालूम ही है कि जब तक तुम सब लोग मिलकर मुझसे एक कहानी नहीं सुन लोगे तब तक मुझे छोड़ोगे नहीं। चलो मैं आज तुम्हें बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया
चालाक बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनाता हूँ। लालू जी आज अपने घर से यहाँ पकौड़े तलकर लाने वाले थे, हम सब लोगों को खिलाने के लिए लाए नहीं। मोदी जी क्या बताऊँ, मैं पकौड़े तो तलकर आज ले आता लेकिन सरसों का तेल खत्म हो गया। कल को आपको पकौड़े जरूर खिलाऊंगा, मुझे मालूम है कहानी सुनते हुए पकौड़े खाते हुए बड़ा मजा आता है। आप क्या सारा वक्त यूं ही निकाल दोगे, बंदर और मगरमच्छ की कहानी शुरू करो। लालू जी तुम तो यूं ही बहाने बनाते रहती हो, चलो मैं कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। एक जंगल था और उस जंगल में सारे पक्षी और जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल के बीचों बीच में एक बड़ा सा तालाब था। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, हर जंगल में एक आध ना एक आध तालाब होता ही है, इसमें क्या नई बात है? योगी जी फिर आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया, मैं कहानी को बंद कर दूंगा, यही सुनाना। उस तालाब के अंदर एक बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ रहता था। मोदी जी फिर आप मुझसे कहोगे कि मैं भी योगी जी के तरह बीच में बोल रहा हूँ, ये बताइए इसमें नई चीज क्या है? मगरमच्छ तो वैसे भी खतरनाक होता है, सीधा मगरमच्छ कौन सा होता है? वैसे मोदी जी मैं राहुल की बात का समर्थन करता हूँ। तुम लगता है पूरी कहानी सुनना ही नहीं चाह रहे हो। सिद्धारमैया जी तुम भी राहुल के साथ सुर में सुर मिलाने लगे, कहानी पूरी सुन तो लो। वो मगरमच्छ आए दिन जंगल के जानवरों को परेशान करता रहता था। उसी जंगल में एक बहुत ही चालाक बंदर रहता था। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, ये जितने भी बंदर होते हैं ये चालाक क्यों होते हैं इतना ज्यादा? अब नीतीश कुमार जी मैं बंदरों से पूछ कर आऊंगा कि वो इतना चालाक क्यों होते हैं। बेफालतू की बात करती हो, कहानी को सही तरीके से सुनाने ही नहीं देती है, बीच में बोलते रहती है। वैसे मोदी जी मैं एक बात बताऊं, आप इन लोगों को कहानी सुनाते ही क्यों? क्योंकि ये आपकी कहानी सुनते ही नहीं है, हमेशा बीच में बोलते रहते हैं, आपको कहानी बीच में ही छोड़ना पड़ती है। हाँ अखिलेश तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मोदी जी की ये सब लोग कहानी सुनना ही नहीं चाहते। अब देखो मोदी जी इतनी अच्छी चालाक बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुना रहे थे, सब लोगों ने बीच में बोल बोल कर कहानी को सुनाना ही बंद करवा दिया। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।